केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। 5 जुलाई को मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के भमोरी गांव में हुई 17 वर्षीय परमजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही सौरभ व मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम गांव में बने मंदिर के पास खाली मकान में शराब पीकर गाली गलौज करने के बाद पैदा हुए विवाद में किया गया। इस हत्याकांड के पीछे मृतक युवक के परिवार की युवती द्वारा मोहित से बात करने से रोकना भी बताया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस खाली मकान में परमजीत और कृष्ण अपने दोस्तों संग शराब के नशे में गाली गलौज करता था। इसका विरोध मोहित के पिता राधेश्याम ने करते हुए परमजीत के पिता से इसकी शिकायत भी की थी। इसे लेकर ही मोहित व परमजीत में एक दूसरे को देखने लेने की बात कही गई थी। 5 जुलाई को योजनाबद्ध तरीके से परमजीत के सिर में 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस पूछताछ में मोहित व सौरभ ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार उन्होंने गाँव के ही विशाल से लिए थे। आज मोहित व सौरभ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। ये दिनांक 5 जुलाई 2024 को थाना सरदना के भामौरी गांव में परमजीत सिंह और कृष्णा पुत्र जय सिंह, इसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसको गोली मार दी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें थाना सरदना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो दो नामजद अभियुक्त हैं वो दिनांक 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना सरदना और स्वाट पुलिस को लगाया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें दो अभियुक्त सौरभ और मोहित गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो सौरभ अभियुक्त है, इसके पास से एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरा अभियुक्त जो मोहित है, उससे घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो कारण क्या था हत्या का, क्यों मारा गया? ये परमजीत उर्फ कृष्णा जो गांव में रहता था और ये अपने दोस्तों के साथ एक वहाँ खाली मकान है जो मोहित के घर के पास है, वहाँ पर शराब पीता था, जिसको लेकर के मोहित के द्वारा इसका विरोध किया जाता था और इसने इसकी शिकायत मोहित के कृष्णा के फादर से भी किया था, जिस पर कृष्णा के फादर जय सिंह के द्वारा उसको डांटा भी गया था। इस बात को लेकर के मोहित और कृष्णा में विवाद भी था और इस धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया और एक दूसरे को देख लेने की बात करने लगे। दिनांक 5 जुलाई 2024 को ये सौरभ अपने मित्र मोहित के साथ आ रहा था, कृष्णा गली में मिला, वहाँ पर इन्होंने सौरभ ने अपने पास जो तमंचा लिया हुआ था उससे और मोहित ने जो अपने पिस्टल ली थी उससे सर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तमंचा इन्होंने बताया कि गांव के एक व्यक्ति से खरीदा गया है, उसके बारे में छानबीन की जा रही है, उसकी भी जानकारी करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पर्सन का भी मामला बताया गया, ये भी जानकारी पूछताछ विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है कि कृष्णा के चाचा की मतलब जो एक परिवार की एक लड़की है, जिससे मोहित के भाई की बातचीत थी, इस कारण भी दोनों में दुश्मनी थी और इस रंजिश को लेकर के भी दोनों में वाद विवाद रहता था और इस कारण भी ये हत्या होना प्रकाश में आया की गई है। अभी उसके बारे में भी पूछताछ की गई है और जानकारी जुटा करके वो जो तमंचा जहाँ से लाए हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो दो अभियुक्त हैं फरार, उनके घटना की संलिप्तता के बारे में विवेचना चल रही है और उनके बारे में भी शीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।